नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीनियर अधिकारी और झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल और उनके पति, अन्य रिश्तेदारों और अन्य करीबियों के करीब डेढ़ दर्जन ठिकाने पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम द्वारा एक साथ छापेमारी की गई। झारखंड, बिहार और दिल्ली समेत अन्य शहरों के 18 लोकेशन पर चल रही छापेमारी के दौरान ईडी ने पहले दिन 20 करोड़ रुपए नकद के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के कागजात को जब्त करने में सफलता पाई। ईडी की ओर से शुक्रवार को की गई छापेमारी को लेकर रांची में आधिकारिक तौर पर कोई ब्यौरा अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसकी छानबीन ईडी की टीम अभी कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ईडी की ओर से नहीं की गई है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, दिल्ली एनसीआर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी एक साथ छापेमारी की गई। अब देखना होगा कि इस ईडी की छापेमारी में और क्या सामने निकल कर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।